हेलो एवरीवन, मैं संदीप पटेल, टेक्नीशियन CNW कोचिंग डेपो वेरावल। आज मैं बात करूंगा आपसे इस वीडियो में इंडियन रेलवे में LHB कोचिस में लगे एयर सस्पेंशन के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि LHB कोचिस में सेकेंडरी सस्पेंशन के तौर पर कोल्ड स्प्रिंग की जगह पे एयर स्प्रिंग दिए गए हैं। जो एयर स्प्रिंग लगाने के फायदे में यह है कि वो कम मेंटेनेंस लेता है, इसकी सुपर ड्रेंस क्रॉस लोड को सस्टेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, ये राइडिंग इंडेक्स को एनहांस करता है जिससे कि पैसेंजर की राइडिंग कंफर्ट में एनहांस होता है। यह है एयर स्प्रिंग, जिसको बोलते हैं एयर बेलो। इसमें एयर प्रेशर रहता है FP का 6 kg/cm² वाला, ठीक है। और इसकी जो स्प्रिंग की हाइट रहती है वो रहती है 292 mm, और इसमें 5 mm का टॉलरेंस अलाउ है अंदर। तो माने कि 287 से 292 mm की हाइट इसकी मेंटेन करनी है। इसके ऊपर जो है वो लगा रहता है इसका रिजर्वायर, जो कि आता है 40 लीटर, 50 लीटर और 60 लीटर, तीन कैपेसिटी में आता है। तो ये हो गया एयर स्प्रिंग। और उसके बाद इसका प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसमें लगा है लेवलिंग वाल। लेवलिंग वाल एक कोच में 4 रहते हैं, पर स्प्रिंग पे 1 रहता है, ठीक है। इसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए जब एयर स्प्रिंग पे लोड बढ़ता है, तब इसका काम ये है कि जब लोड बढ़ता है तो एक्स्ट्रा एयर ये FP की स्प्रिंग में जाने देता है, और जब लोड इसका कम होता है तो एक्स्ट्रा हवा को नीचे लगा है 3x4 इंच का जो चेक वाल लगा है उससे एग्जॉस्ट करता है एयर को। हॉरिजॉन्टल लीवर और इंस्टॉलेशन लीवर असेंबली से, हॉरिजॉन्टल लीवर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा तो इससे हम पता चल जाएगा कि एयर स्प्रिंग में एयर है या नहीं। ये जब डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये हॉरिजॉन्टल लीवर टिल्ट हो जाएगा, इससे हम विजुअली पता कर सकते हैं कि इसमें एयर बेलो में एयर है या नहीं। ये जो है जो इंस्टॉलेशन लीवर है, जिसकी क्लोज हाइट रहती है 290 mm और इसकी मैक्सिमम लेंथ रहती है 360 mm, इसको एडजस्ट करके हम इसका प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। ये लेवलिंग वाल एक ओर से जुड़ा है FP पाइप से और दूसरी ओर से कॉमन पाइप के थ्रू दूसरी ओर के लेवलिंग वाल से जुड़ा है। ये कॉमन पाइप में बीच में डुप्लेक्स चेक वाल लगा है। ये डुप्लेक्स चेक वाल दोनों ओर से एक एक लेवलिंग वाल से जुड़ा हुआ है, जो कि एयर बेलोस के ऊपर लगे है। डुप्लेक्स चेक वाल, इसका काम ये है कि जब भी एयर बेलोस के बीच में 1.5 kg का प्रेशर डिफरेंस आता है तब ये एक्टिवेट हो जाता है और एक ओर की प्रेशर को दूसरी ओर जाने देता है। ये है फीबा डिवाइस, जो कि प्रेशर ड्रॉप को, एयर बेलोस के प्रेशर ड्रॉप को सेंस करके BP को एग्जॉस्ट करता है। इसमें 8 mm का एक चौक दिया गया है जिससे कि वो BP प्रेशर को एग्जॉस्ट करता है और ब्रेक अप्लाई हो जाती है। ये जो फीबा डिवाइस रहती है वो 3 कंपनी के आती है। ये जो हमारे पास है ये है नॉर्थ ब्रिम्स का। तीनों कंपनी के मेक के प्रोसीजर सेम है, सिर्फ उसकी रिसेटिंग की प्रोसीजर है वो ही अलग है। ये पूरा सिस्टम जो है वो FP पे ही वर्क करता है। इसका BP से सिर्फ एग्जॉस्ट करने में का ही यूज़ करते हैं, बाकी BP का प्रेशर कहीं भी इस सिस्टम में यूज़ नहीं होता है। और एयर सस्पेंशन का जो भी पूरा सिस्टम है वो FP पे चल रहा है, उसको ब्रेकिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। ये फीबा इंडिकेटर है, जो कि नॉर्मली ग्रीन रहता है। जब ये फीबा ऑपरेट हो जाता है तब ये रेड हो जाता है, और इसका मतलब होता है कि ब्रेक एप्लीकेशन हो गया। फीबा डिवाइस के ठीक पीछे BP का पाइप लगा हुआ है, जिसमें एक विदाउट वेंट फीचर का आइसोलेटिंग कोक दिया गया है। इस कोक को आइसोलेट करने से फीबा डिस्कनेक्ट हो जाएगा BP से और ये वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार एक विदाउट वेंट फीचर वाला ही FP का आइसोलेटिंग कोक दिया गया है, जिसको आइसोलेट करने से दोनों एयर बेलोस को FP का एयर फ्लो मिलना बंद हो जाएगा। फीबा डिवाइस और एयर बेलोस के कनेक्शन के बीच में विथ वेंट फीचर वाले 2 टेस्ट कोक दिए गए हैं दोनों बेलोस के लिए सेपरेट, जिसको आइसोलेट करने से वेंट के थ्रू सारी एयर एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी और सारा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा एयर बेलोस में से।
एयर सस्पेंशन सिस्टम को प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए 150 लीटर का मेन रिजर्वायर दिया गया है, जिसके आगे एक नॉन रिटर्न वाल्व, एक डर्ट कलेक्टर और आइसोलेटिंग कोक भी दिया गया है, जो कि जुड़े हैं एफपी के मेन प्रेशर लाइन से। पूरे सिस्टम को चार्ज करने के लिए एमआर से 150 लीटर के एमआर से एक 22 mm आउटसाइड डायमीटर वाले पाइप के थ्रू ये प्रेशर पहुंचता है लेवलिंग वाल्व की तरफ। बीपी के मेन पाइप से 22 mm के आउटसाइड डायमीटर वाला एक पाइप जुड़ा है हमारे फिबा डिवाइस के साथ। डिवाइस से दो कनेक्शन जुड़े हैं लेवलिंग, दोनों लेवलिंग वाल्व को जोड़ते हुए कॉमन पाइप पे, जो कि लगे हुए हैं डुप्लेक्स चेक वाल्व की दोनों तरफ, फिबा डिवाइस के एंड पे और कॉमन पाइप के एंड पे, दोनों एंड पे फ्लेक्सिबल पाइप लगे हुए है। डुप्लेक्स चेक वाल्व के दोनों ओर एक एक फ्लेक्सिबल पाइप लगा है जो कि फिबा से जुड़ा हुआ है। वो इसका काम यह है कि वो प्रेशर को सेंस करता है, जब भी प्रेशर ड्रॉप होता है तब यहाँ से सेंस करके फिबा ऑपरेट हो जाता है। एनरूट में जब कोई प्रॉब्लम आती है और फिबा ऑपरेट हो जाता है, यानी कि इसका इंडिकेटर रेड हो जाएगा, बीपी एग्जॉस्ट थोड़ा चालू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाती है, तो सबसे पहले हमको पीछे लगे हुए बीपी के कोक को आइसोलेट करना है, फिर हमको एयर सस्पेंशन सिस्टम में चेक करना है कि अगर कहीं पे भी लीकेज है या कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में जैसे कि एयर बेलोज में पंचर हो सकता है, इसमें फेरुल जॉइंट्स लगे हुए हैं, वो जॉइंट निकल गया हो सकता है, इसमें फ्लेक्सिबल पाइप लगे हुए हैं जो कि टोटल 5 है, वो किसी पाइप टूटा हुआ है या कोई और दिक्कत है, जैसे भी हो किसी भी तरह एफपी अगर एग्जॉस्ट हो रहा है तो हमारा फिबा ऑपरेट हो जाएगा। ये लेवलिंग वाल्व भी लीकेज हो सकता है, यानी कि जब भी एयर बेलोज के अंदर टोटल प्रेशर 1 kg से नीचे ड्रॉप होगा तब फिबा ऑपरेट होगा। अगर सिस्टम में चेक करने के बाद आप प्रॉब्लम को अटेंड कर सकते हैं, जो भी लीकेज प्रॉब्लम है उसको दूर कर देते हो, फिर आपको फिबा को रिसेट करना है। रिसेट करने के लिए इसमें फिबा 3 मेकर्स के आते हैं, पहला है नॉरब्रिम्स और है फेवली और तीसरा है एस्कॉट। तीनों की वर्किंग प्रोसीजर सेम है पर रिसेटिंग प्रोसीजर अलग अलग है। तो सबसे पहले अगर ये नॉरब्रिम्स का है तो उसको रिसेट करने के लिए उसमें एक नॉब लगा हुआ है, उसको पहले आपको हॉरिजॉन्टल घुमाना है, फिर वापस उसको वर्टिकल कर देना है, और फिर जो हमने पीछे से बीपी का कोक जो आइसोलेट किया था उसको खोल देना है। अगर आपका डिवाइस फेवली मेक का है तो उसको रिसेट करने के लिए पहले आपको बीपी को आइसोलेट करना है, फिर ये दोनों बटन को साइमल्टेनियसली एक साथ दबाना है 3 से 5 सेकंड तक, फिर उसको छोड़ देना है और पीछे से बीपी का जो आइसोलेटिंग कोक हमने बंद किया था उसको खोल देना है, तो ये रिसेट हो जाएगी। अगर आपका डिवाइस एस्कॉर्ट मेक का है तो उसको रिसेट करने के लिए पहले आपको लेफ्ट साइड की रिंग खींचनी है, फिर राइट साइड की और सबसे लास्ट में बीच वाली रिंग। फिबा ऑपरेट हो जाने के बाद अगर हम इस ट्रॉली में फिबा ऑपरेट हुआ है तो उस ट्रॉली के लीकेज प्रॉब्लम को हम अटेंड नहीं कर सकते हैं, वो लीकेज को रोक नहीं सकते हैं, तो हमको इस ट्रॉली के जिस ट्रॉली में भी फिबा ऑपरेट हुआ है उस ट्रॉली के एयर सस्पेंशन सिस्टम को आइसोलेट करके अगले CNW पॉइंट तक 60 की स्पीड पे चला के ले जाना है। अगर इस ट्रॉली को हमें आइसोलेट करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले बीपी का कोक तो आइसोलेट कर ही दिया है, तो उसके साथ साथ हमें एफपी का कोक भी आइसोलेट करना पड़ेगा। एफपी को आइसोलेट करने के बाद एयर बेलोस के प्रेशर को वेंट करने के लिए आपको दोनों टेस्ट कोक को आइसोलेट करना है, इसमें एयर वेंट दिए गए हैं जिससे कि दोनों एयर बेलोस में जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में वेंट हो जाएगा। इस दोनों को आइसोलेट करने से एयर बेलोस में सारा प्रेशर निकल जाएगा, जिससे कि इसकी बफर हाइट में 30 mm का ड्रॉप आएगा। अभी परमिसिबल हाइट ड्रॉप है 75 mm, और
इसको आइसोलेट करने से इसका प्रेशर निकल जाएगा तो बफराइट में ड्रॉप आएगा 30 mm का। तो इस कारण से हमारे जो CBC कपलिंग लगा हुआ है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एयर बेलो में से प्रेशर वेंट करने के बाद आपको श्योर करना है कि कोच इमरजेंसी स्प्रिंग जो नीचे लगा हुआ है रबर का उस पे सही से बैठा है, कोई भी साइड पे टिल्टेड नहीं है। अगर फीबा ऑपरेट हो जाने के बाद आप बीपी को आइसोलेट करते हो और एयर सस्पेंशन सिस्टम को चेक करते हो लीकेज के लिए, कहीं भी कोई लीकेज नहीं है, वो सिस्टम पूरा वर्क कर रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलता है, पूरा सिस्टम सही ही चल रहा है, तो फिर आपको इसको रिसेट करने की ट्राई करनी है। अगर ये रिसेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि फीबा डिवाइस में ही हमारी परेशानी है। तो उसके लिए आपको सिर्फ फीबा डिवाइस को आइसोलेट करके ले जाना है, वो पूरे सिस्टम को आइसोलेट नहीं करना है, यानी कि आपको सिर्फ बीपी के कोक को ही आइसोलेट करना है, FP का जो सिस्टम चल रहा है वो चलने देना है और आप नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी को ले जा सकते हैं।